नमस्कार दोस्तों, फ्री डिश रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं, हमारा जो MP2 सेट टॉप बॉक्स होता है उसे हम HD सेट टॉप बॉक्स कैसे बनाएं, यानी पिक्चर क्वालिटी हाई डेफिनेशन पे हम कैसे देखें। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आप कम कॉस्ट के अंदर आपके MP2 सेट टॉप बॉक्स को आप HD में कैसे कन्वर्ट करें। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यहाँ अगर आप दोस्तों अधूरा वीडियो देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके जो MP2 सेट बॉक्स को कम कॉस्ट में आप HD में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ बात करता हूँ, हमारे जो MP2 सेट बॉक्स होता है उसमें होता है RCA केबल, और MP2 सेट बॉक्स में HD चैनल नहीं चलते। और हमें HD में चलाने के लिए उसमें दोस्तों आपको दो तरह की ट्रिक बताऊँगा। एक होता है दोस्तों कन्वर्टर, यानी AV to HDMI कन्वर्टर। अगर आप ये जो यहाँ फोटो देख रहे हो ये कन्वर्टर है, ये आपका जो RCA केबल होता है उसको HD में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं, एक मिनट में आपको बताऊंगा कि हमारा जो MP4 सेटअप बॉक्स था HD, उसमें दोस्तों ये वाला पोर्ट होता है HDMI का, और हमारा जो MP2 सेटअप बॉक्स होता है उसमें होता है RCA का, HDMI का पोर्ट नहीं होता है। और हमें जो पिक्चर क्वालिटी हाई डेफिनेशन पर 1080 में मिलती है HDMI केबल से मिलती है। अगर हमारे पास MP4 सेटअप बॉक्स होगा, अगर उसमें हम RCA केबल पर यूज करेंगे तो दोस्तों आपको फुल HD में पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल पाएगी जब तक आप HDMI का उपयोग नहीं कर पाओगे। अब हमारे MP2 सेटअप बॉक्स में HDMI का पोर्ट तो होता नहीं है, तो कहां से हम HDMI लगाएं, उसमें होता है RCA केबल। अब बात करते हैं RCA केबल को हम HDMI में कन्वर्ट करने के लिए, आपको यहां एक फोटो दिख रहा होगा, ये कन्वर्टर होता है। ये मार्केट में आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे 350 से लेकर 400 रुपए तक मिल पाता है। इस कन्वर्टर के साथ आपको एक ही जो पोर्ट देख रहे हो HDMI केबल आपको लगानी पड़ेगी, और कन्वर्टर को पावर देने के लिए आपको अलग से एक एडोप्टर लगाना पड़ेगा। फिर आपकी जो RCA केबल कन्वर्टर में कनेक्ट करके, फिर आपको HDMI केबल में कनेक्ट करके, फिर आपके TV में कनेक्ट करना होगा, तब जाके दोस्तों आपका MP2 सेटअप बॉक्स होगा उसमें आप HD में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों ये झमेला कितना हो गया, अब मैं आपको बताऊँ, 400 रुपये का आपका कन्वर्टर, कम से कम 70-100 रुपये के HDMI भी मान लो अच्छी क्वालिटी में लेते हो, एक आपका एडोप्टर लगेगा, तो ये 500-600 रुपये का जुगाड़ हो गया। और हमारा जो MP2 सेटअप बॉक्स होता है ओनली 350-400-500-600 रुपये तक, और हम MP4 सेटअप बॉक्स मिल पाता है कम से कम 650-750 तक। तो दोस्तों अगर आपके पास MP2 सेटअप बॉक्स है तो दो तरह से आप, एक तो कन्वर्टर लगा के उसमें HD चैनल देख सकते हो, अगर आपके पास TV है तो आपको कन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं, आपको तो नॉर्मल देख सकते हो क्योंकि TV में HDMI केबल लगेगा नहीं और आप फुल HD में चैनल नहीं देख पाओगे। तो अगर आपको कम कॉस्ट में करना है तो दोस्तों आप MP4 सेटअप बॉक्स ले लो, उसका जो HDMI का पोर्ट है उसे आज यूज करो। और अगर आपके पास LED स्मार्ट TV है तो स्मार्ट होगा तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल डिब्बा है तो दोस्तों आप 600 रुपये वैसे कन्वर्टर में खर्च करोगे, तो 650-600 रुपये में आप HD बॉक्स ले लो कि उसमें इतना झमेला तो नहीं है, कहाँ वो एडोप्टर अलग से लगाना पड़ेगा, केवल आपको एक HDMI केबल लगानी पड़ेगी, फुल HD में आप चैनल देख सकते हो। तो दोस्तों ये छोटी सी दो ट्रिक थी कि आपका MP2 सेटअप बॉक्स को आप HD में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये जो AV to HDMI कन्वर्टर है ये आपको लगाना पड़ेगा। डायग्राम मैंने आपको बता दिया, इस डायग्राम से दोस्तों आप कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्ट आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। कम कॉस्ट में आप MP4 सेटअप बॉक्स ले लो वो बेस्ट रहेगा, इतना झमेला नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आपको बिल्कुल सस्ता है, अगर कन्वर्टर से करोगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता 50-60 रुपये सस्ता मिलेगा, उससे ज़्यादा MP4 में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूले ताकि आने वाली वीडियो अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना, कुछ आपके सवाल है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।